तो वही करनाल में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। बताया ये जा रहा है कि महिला के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। करनाल के गांव नलीपार की रहने वाली अनु, जिसके 2 साल पहले ही शादी हुई थी, घर वालों ने भी शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ये सोचकर कि बिटिया खुश रहेगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि तन नोच कर भी घर वाले बेटी के ससुराल वालों की इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाएंगे और उनकी फूल जैसी बेटी, जो विदा तो तमाम सपने लेकर घर से हुई थी, लेकिन उसी बेटी की लाश उसके ससुराल से निकलेगी। घर से सुर्खलाल साड़ी पहनकर जिस बेटी को विदा तो किया था, लेकिन किसी ने भी ना सोचा होगा कि जब बेटी की खबर आएगी तो वो सुर्ख सफेद कफन में लिपटी होगी। दरअसल करनाल के गांव नलीपार में 2 साल पहले ही अनु की शादी हुई थी, लेकिन अनु के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनु के साथ आए दिन दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी, उसे परेशान किया जाता था। परिजनों ने तो ये तक कहा कि अनु को खाने के लिए ताने सुनने पड़ते थे। अनु हमारी लड़की थी जी। अच्छा, बदले उसको मार पिटाई से, उसे मजबूरन क्या पता उसने क्या पसल करा क्या नहीं करा, हमें पता लगा कि उसने मतलब जहर खाया। जहर की मतलब कोई शिकायत नहीं मेरे पास। अच्छा, मारे को तो ऐसा है तो भाई उसको सुनो, उसको तो मारे को तो ऐसे शिकायत ही उसकी तो मार पिटाई की हुई है बस। अच्छा, मैं उसके चाचा बोल रहा हूँ जी, बहुत हम बहुत मजबूर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जी, बहुत परेशान। ससुराल वाले तंग भी करते हैं बहुत ज्यादा, दहेज के लिए भी। हाँ, दहेज के लिए परेशान किया, वैसे तो मर नहीं सकती कोई भी। तो वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए ससुराल पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इन सबसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज सुबह शाम को, आज सुबह करीब 8 बजे थाना में सूचना प्राप्त हुई थी, भाई अनु वाइफ ऑफ विक्रम और नलीपार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, गांव के अंदर ही डेड बॉडी है। जो इस सूचना पर गांव में पहुंचे थे, गांव में लड़की का फादर और उसके गांव वाले और अन्य आदमी मौजूद मिले। लड़की के फादर यशपाल के बयान पर पर्चा दर्ज किया जा चुका है और आगे कार्रवाई चालू। बिटिया तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई और अगर अपने पीछे कुछ विरासत में छोड़ गई तो लगभग 11 महीने का मासूम, जो हमेशा अपने बाप दादा नाना नानी से बस यही सवाल पूछता रहेगा कि उसके सर से उसकी मां का साया किसने छीना। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्डा की रिपोर्ट।